नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रियंका झा। नरेंद्र मोदी मंत्री परिषद में अगले एक दो दिन में बड़े बदलाव दिख सकते हैं। इसी क्रम में गुरुवार को कम से कम 5 केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए हैं। कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने इस्तीफा दे दिया है। मोदी कैबिनेट में रविवार को बड़े फेरबदल होने की संभावना है। मंत्रियों के विभागों के बदले जाने से लेकर कुछ पुराने मंत्रियों की छुट्टी और नए चेहरों की एंट्री होने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को रेल मंत्रालय का प्रभार मिल सकता है। जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने भी स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफे की पेशकश की है। खबरों की माने तो मध्यम और लघु उद्योग मंत्री कलराज मिश्रा को राजभवन भेजा जा सकता है। मिश्रा की उम्र 75 साल से ऊपर है, लेकिन उन्हें यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कैबिनेट में बरकरार रखा गया था। फेरबदल के जरिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पसंद के जेडीयू के दो नेताओं को केंद्रीय मंत्री परिषद में जगह मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने केंद्र राज्य मंत्री और सांसद महेंद्र नाथ पांडे को उत्तर प्रदेश का बीजेपी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्हें यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की जगह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। यूपी की चंदौली सीट से सांसद और केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडे के प्रदेश अध्यक्ष का प्रभार तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। पार्टी ने 2 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए महेंद्र नाथ को ये जिम्मेदारी सौंपी है। लंबे संगठनात्मक अनुभव वाले महेंद्र नाथ के बहाने पार्टी ने संगठन में समन्वय के साथ ही ब्राह्मण कार्ड को भी तरजीह दी है। अब उनके कंधों पर 2014 के आम चुनावों के प्रदर्शन को दोहराने की जिम्मेदारी होगी। अमेरिका ने रूस से सैन फ्रांसिस्को में अपने वाणिज्य दूतावास और वाशिंगटन व न्यूयॉर्क में 2 एनेक्स बिल्डिंग इमारतों को 2 दिन में बंद करने को कहा है। इसे मॉस्को द्वारा अपने देश में अमेरिकी राजनयिक स्टाफ में काफी कमी करने पर जैसे को तैसा प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि रूस की ओर से मॉस्को में अमेरिकी राजनयिकों की संख्या 100 तक कम करने के हफ्तों बाद ट्रंप प्रशासन की तरफ से यह बदले की कार्रवाई मानी जा रही है। देश की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है। अप्रैल जून की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ घटकर 5.7% पर आ गई है, जो कि 3 साल में सबसे निचला स्तर है। ये लगातार दूसरी तिमाही है जब भारत की जीडीपी ग्रोथ चीन से भी पीछे रही है। मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में सुस्ती के बीच नोटबंदी का असर कायम रहने से जीडीपी की वृद्धि दर कम रही है। जनवरी से मार्च तक की तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.1% रही थी। फोर्ब्स मैगजीन की 2017 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 बॉलीवुड स्टार्स की सूची में सिर्फ 2 एक्ट्रेस को शामिल किया गया है। दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा ही इस सूची में जगह बना पाई हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर रही शाहरुख खान हैं। अब तक के लिए इतना ही। बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ।